अक्टूबर खास बहुत है, इसमें है इतिहास छिपा। इस दिन जन्मे थे वो, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इनसे होती सदा भलाई। इनके दम पर ही उन्होंने अंग्रेजों की फौज भगाई। तो आइए देखें ऐसे महापुरुष की गाथा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। दादी को ही नहीं बल्कि गांधी जी को भी पसंद था। गांधी जी? कौन गांधी जी? ये लो। ईयू, इतना ओल्ड फैशन चश्मा। ये है वो जरिया जो बदल देगा तुम्हारा नजरिया। पहन के तो देख। मैं नहीं पहनूंगी। पहन के तो देख। कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। उच्च विचार और जीवन सादा उनके प्रिय थे सबसे ज्यादा। जी हाँ, वो ही थे जिन्होंने गोलों की ताकत बांधी थी। वो कोई और नहीं बल्कि गांधी के रूप में आंधी थी। जानना चाहते हैं कैसे? तो आइए देखिए ऐसे। पढ़ना लिखना सबको भाई, जीवन की बगिया महकाए। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम। जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चलेंगे। वही संस्कृति सबसे उत्तम होती है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ओ, तो मम्मा पहले भी गरीबी थी भेदभाव का। लगता है बदलने लगा है तुम्हारा नजरिया। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। चली हूँ आजादी की जंग। उससे और नहीं देखा जाएगा, इतना भेदभाव। सुनहरा वक्त फिर आएगा। तो आइए देखते हैं गांधी जी के संघर्ष की गाथा। सबसे पहले सत्याग्रह की जगह होगी।
यहीं से उन्होंने शुरू की थी किसानों की भलाई। क्या बात है, चंपारण ने दी हमको सीख। जानते हो, अंग्रेजों का अन्याय एक जगह तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आम जनता भी अछूती ना थी। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आ जा रे अब आ जा रे। भूले हम राह, हमें राह दिखा दे, आ जा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। गांधी जी ने अनेकों आंदोलन किए, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था आत्मनिर्भर भारत।